मित्रों नमस्कार। आज हम कढ़ाई पनीर बनाना सीखेंगे। इसके लिए सामग्री है पनीर 200 ग्राम, शिमला मिर्च 250 ग्राम, दो टमाटर, दो प्याज के इस तरह मिक्स किए हुए, और इसमें अदरक है 1 इंच, एक हरी मिर्च, एक टेबल स्पून कटा हुआ धनिया, 100 ml लगभग क्रीम, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, नमक स्वादानुसार, जीरा और हिंग। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया। कढ़ाई में थोड़ा लगभग 1 टेबल स्पून तेल डाल दें। और तेल को चारों ओर मिला दें। तेल गर्म होने के बाद इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और उसे सेलो फ्राई कर लेंगे ताकि शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा रहे, क्योंकि ये जल्दी से पकता नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हाफ कुक फ्राई कर लेंगे ताकि ये मुलायम हो जाए। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे ये सेलो फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। हमने सेलो फ्राई निकाल लिया। अब इसमें तेल डालेंगे। दोबारा से 1 टेबल स्पून तेल डालें। बस तेल को थोड़ा गर्म होने दें। इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच जीरे को बिल्कुल ब्राउन होने दें। उसके बाद एक हरी मिर्च हमने काट रखा था वो डालें। इसके बाद हींग डाल दें, हींग 1/2 चम्मच से भी कम, 1/2 छोटी चम्मच से कम। इसके बाद हमने जो प्याज और टमाटर को ग्राइंड किया था वो डाल दें। और इसे चलाते रहें, इसे 2-4 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे ताकि टमाटर थोड़ा पक जाए और प्याज पक जाए, क्योंकि ग्राइंड होने के बाद पकने में थोड़ी टाइम लेता है, तो थोड़ा सा समय लेंगे। 2 मिनट इसे इसी तरह फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, नमक स्वादानुसार, सब्जी मसाला 2 छोटी चम्मच, अब इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। इसे लगभग हम 5-7 मिनट तक पकाएंगे, और जब तक कि तेल इसके ऊपर तैरने लगे तब तक हम इसे तलते इसी तरह पकाते रहेंगे। आंच कम कर दें और इसे चलाते रहें, ये अपने आप पक जाता है। लगभग 5 मिनट का समय देना होगा। इसे चलाते रहेंगे। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे इसका कलर चेंज होने लगा है, लेकिन अभी इसे और चलाएंगे इसके ऊपर ताकि तेल हमें स्पष्ट दिख पाए। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे इसके साइड साइड से अब तेल दिख रहा है और ये अब पक गया है। तो इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे और कटा हुआ धनिया, धनिया का पत्ता, गरम मसाला 1/2 चम्मच लगभग, और क्रीम, अब इसे अच्छे से मिला दें और चलाएं थोड़े 2 मिनट तक।
जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे ये उबलने लगा है। अब इसमें हम सबसे पहले शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डाल के अच्छे से मिला दें और पनीर भी मिला दें। अगर आप रस रखना चाहते हैं तो जितना रस रखना चाहते हैं उतना मिला दें। कुछ लोग इसमें रस पसंद नहीं करते, कुछ लोग रस पसंद करते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी डाल दें। अच्छे से मिला के इसे पकने दें। अब लगभग आपकी कढ़ाई पनीर बन चुकी है और मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप भी बना के एक बार ट्राई करें, बहुत ही अच्छी सब्जी आप बना पाएंगे, आप देखेंगे। इसे 2 मिनट पकने दें। इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि मसाले की खुशबू, क्रीम की खुशबू, शिमला मिर्च और पनीर के अंदर हो समा जाए, तो सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। 2 मिनट इसे ढक दें।